हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लेन राइस बनाना सिखाऊंगी, जिसको हम दाल, राजमा, चने किसी के साथ भी खा सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक गिलास चावल। चावल को हम 5 या 4 दफ़े हम धो लेंगे अच्छी तरह से, और फिर गैस ऑन करके कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी डालेंगे, यानी 1.5 गुना पानी हमें डालना है। पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे कुछ देर के लिए। 2 या 3 मिनट के बाद जब पानी गर्म हो जाए तो हम उसमें राइस डालेंगे। राइस डालने के बाद हम थोड़ा सा धीरे धीरे हिलाएंगे, और इसमें शुद्ध देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल का 1.5 टेबलस्पून डालेंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे। अब हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे और इस पे ढक्कन लगाएंगे। थोड़ा सा ढक्कन हमें खुला रखना है शुरू में ऐसे, और इसको पकने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, याद रखना, चावल डालने के बाद आपने गैस को सिम कर देना है और आधा ढक्कन खुला रखना है, और इसको पकने के लिए गैस पे 2 या 3 मिनट बाद हम इसको हिलाएंगे। पानी इसका देखिए सूखता जा रहा है ऐसे। जब आधी कटोरी करीबन पानी रह जाएगा तो आपने ढक्कन को आपने पूरी तरह से ढक देना ऐसे, और इसको पकने के लिए कुछ देर के लिए फिर से गैस पे छोड़ देना। 2 या 3 मिनट के बाद हम देखेंगे चावल का पानी बिल्कुल सूख चुका है। इसको धीरे से हम हिलाएंगे, देखिए पानी उसमें नहीं है। अब हम ढक्कन को अच्छी तरह लगा के गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के 2 या 3 मिनट के बाद हम चावल को स्टीम पे रखेंगे थोड़ी देर, और अब देखिए चावल हमारे रेडी हैं। ढक्कन खोल के हमने देखा, और इसको धीरे धीरे हिलाएंगे और प्लेट में हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चावल तैयार हैं। अगर आप चावल को कुछ और तरीके से, नहीं, प्लेन राइस तैयार है। अगर आप चाहें तो राइस को 10 या 15 मिनट के लिए भिगो भी सकते हैं शुरू में, नहीं तो अगर ऐसे भी बनाएंगे तब भी राइस बहुत ही अच्छे बनेंगे, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।